पिछले दो दिनों से जिले में हो रही बरसात और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से सिद्धार्थनगर जिले के राप्ती, बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिद्धार्थनगर जिले के ज्यादातर क्षेत्र इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। डेढ़ महीने के भीतर सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ के दोबारा दस्तक देने से यहाँ के लोग काफी परेशान और भयभीत हैं। जिले के दर्जनों गांव, मेरुंठ और हजारों एकड़ की फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। सबसे ज्यादा बाढ़ ने तांडव शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में मचाया हुआ है। यहाँ से बहने वाली बाणगंगा नदी की चपेट में दर्जनों गांव हैं। लदवा, खजोड़वा, अंतारी, हलौरा गांव में पानी घुसने से लोगों ने स्कूलों में शरण ली है। अचानक 3 बजे रात में लोगों के घर में पानी आने से लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और उनके घरों में रखा हुआ खाने का सामान सहित अन्य जरूरी चीजें पानी में बर्बाद हो गई। हालांकि आज सुबह से ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा शुरू कर दिया और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। बाढ़ से कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भैया, बाढ़ से बहुत दिक्कत है। रात में आया अभी तक हम लोग ये होते हैं, गल्ला पाते अपन हर हाथ धो पीछे लगाए, हम हर चीज तैयार हो रहा है। तो सरकारी आदमी है, आज है डीएम, अपन चले गए तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहीं नहीं है। तो ये बताइए कि बाढ़ से कितनी दिक्कत है और कैसे पानी आया, कब आया आपने? भैया 12-1 बजे रात की पानी आया अचानक, सूता पड़े रात में, सब लोग सूता रहे, अचानक बाढ़ आए, उकरे बाद में भगदड़ पड़ गया पूरे गांव में। ऐसा समस्या आई जाए कि खाए पिए तरसे परत है। हम लोग समझल जब 12-1 बजे रास्ते अभी तक गतून नहीं करे हन, तो खाना पीना तो बती अलग है। अब भैया इतना मुसीबत में हम लोग हन कि अब कहा बताई। ये दूसरी बार बाढ़ आई है? हाँ दूसरी बार। कोई प्रशासन का कोई आदमी तहसीलदार या SDM कोई आए थे? ना ही साहब, क्यों नहीं आया है बीच में, DM साहब आ रहे हैं, उसके बाद में कान का उद्देश्य सुन के अपने बाद चला गए। बाकी सब लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखन मरा था, पता नहीं चलना घर गिर के गंगा में। अब वो बेचारे कहाँ जाए, मन के कहूँ लुकाहू लायक नहीं है भैया, मजबूरी है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। आपके कहाँ नाम है, कौन गाँव रहा है? अच्छा, ये बाढ़ से कितनी दिक्कत है, कब कैसे आपके घर में पानी घुसा, क्या घुसा, कितनी दिक्कत है? बाढ़ से भैया काल से पानी बरसा है, भूमि नहीं टूटा है, जब से पानी बरसते है रात में आज घर में घुसर गए, कोनो सामान निकाल नहीं मिला, चाउर दाल गेहूँ कपड़ा लत्ता सर सामान नून तेल सब बनाए खाए, कहूँ नहीं ठेका मिले, सब चीज नुकसान हो गया। अच्छा ये बताइए कि कितनी दिक्कत हो रही है, अभी कोई आया था प्रशासन का आदमी, कोई कुछ कुछ के जांच की है? कोई नहीं आया। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है भैया, अभी नहीं से खाना नहीं खाए, भूजा अभी खाए के खाना बनाए खाए व्यवस्था नहीं है।